चित्रकूट बड़गढ़ में नशा मुक्ति केंद्र बड़गढ़ का किया गया निरीक्षण। बता दें कि वहां पहुंचे पूरे स्टाफ मौजूद मिले। वहां पर प्रेमचंद्र द्वारा बताया गया कुल 10 मरीज हैं, जबकि पहले रिपोर्टर गए थे तो 15 मरीज से इस बार 10 मरीज बताए गए। रिपोर्टर द्वारा पूछा गया 5 मरीज कहां गए, तो प्रेमचंद्र जो काउंसलर उन्होंने क्या बताया आप सुन सकते हैं। चित्रकूट जिले में जो नशा मुक्ति केंद्र है यह सबसे अच्छा केंद्र माना जाता है। यहाँ पर लोग विश्वास करके आते हैं, विश्वास पर यहाँ के डॉक्टर खरे उतरते हैं। यहाँ पर मौजूद प्रेमचंद द्वारा बताया गया कि यहाँ पर नरेंद्र तिवारी जी हैं, उनका क्या कहना है। मरीजों को समय पर खाना दिया जाता है और मरीजों का अच्छा ख्याल रखा जाता है। यह सबसे अच्छा नशा मुक्ति केंद्र बताया जाता है। यहाँ पर काफ़ी मरीज ठीक हुए हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए विजय गुप्ता के साथ रोहिणी कुमार की खास रिपोर्ट। माना प्रेम है, प्रेम है। आप क्या हैं यहाँ पर? हम यहाँ काउंसलर हैं। काउंसलर हैं, ये बताइए यहाँ पर पहले आए थे जी। रिपोर्टर तो यहाँ 15 मरीज थे, कितने मरीज बचे हैं? इसमें 10 हैं। 10 मरीज हैं जी। वो मरीज कहाँ गए हैं? सही हो, रिकवर हो गए, नशा मुक्त होकर घर चले गए। तो उनसे जानकारी लेना था तो कैसे लें? संपर्क नंबर है उनका, गार्जियन से बात करा देंगे। नहीं नहीं नहीं, अब भरोसा ऐसा नहीं है। ये बताइए नशा मुक्ति केंद्र ये कौन से जिले में है? चित्रकूट। स्टाफ कितने हैं? 9 है। प्रेजेंट हैं जी। अच्छा, रसोईया मौजूद रहते हैं? जी जी, हमेशा रहते हैं वो। अच्छा, एक दो मरीज के नाम बताएंगे? जी जी जी। कौन मरीज अभी हैं? दो मरीज, एक रमेश हैं। हाँ, और एक धीरज हैं। कुल 7 मरीज हैं आपके? 10 हैं अभी? 10 मरीज हैं कुल। 10 मरीज हैं जी। चलिए, उनका क्या ख्याल रखा जाता है? उनका पूरा व्यवस्था है, खान पीन रहना सहन सब फ्री है, ट्रीटमेंट भी फ्री दिया जाता है उनको।